हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपकी डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इन ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन, और आपके दूसरा बात करें जो टिंडल इफेक्ट है। तो आज के देखिए इस वीडियो के अंदर हम जो आपके कोलाइडिंग इवेंट हैं उनमें आपके जो प्रकाशीय गुण हैं एक तो उसकी बात करेंगे, या फिर अपन इसको अगर एग्जाम के हिसाब से बात करें तो ये आपके एग्जाम में जो टिंडल इफेक्ट है उसके नाम से आता है, और इसी का जो है आज की इस वीडियो में अपन है एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। देखिए अपन बात करें आपके एक वैज्ञानिक थे टिंडल नाम के लिए, क्या नाम थे? टिंडल नाम जो वैज्ञानिक है, इन्होंने एक चीज देखी कि यदि किसी जो तीव्र प्रकाश के पुंज को किसी कोलाइडिंग इवेंट में से गुजारा जाता है तो प्रकाश का जो पुंज है के मार्ग में उसी प्रकार प्रदीप्त होता है जिस तरह से जो आपके कमरे हैं, कमरे के अंदर सूर्य का जो प्रकाश आता है ठीक है उसमें से अपने को एक प्रकाश का पथ नजर आता है कि भाई उसमें जो कण है वो अपने को चमकते हुए नजर आते हैं, उसी तरह का प्रभाव है वो अपने को किस में देखने को मिलता है जब प्रकाश का पुंज किसी कोलाइडिंग मीडियम में से आपके गुजरता है। तो कोलाइडिंग कण है वो क्या है? अधिशोषण के फलस्वरूप वो क्या होते हैं? चमकना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर कहते हैं कि चमकते हुए दिखाई देते हैं। जो चमकते हुए जो इस तरह का गुण है ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका? टिंडल प्रभाव कहलाता है। यहां पर बात करें आपके जो टिंडल प्रभाव है इसका मुख्य उपयोग किस तरह से किया जाता है, तो यहां पर अपन बात करें जो टिंडल प्रभाव है इसके द्वारा जो है एक तो आपका कोलाइडिंग इवेंट, और दूसरी अपन बात करें आपका जो वास्तविक इवेंट है, इन दोनों के अंदर जो विभेद है दोनों में जो अंतर है वो करने के लिए क्या किया जाता है? टिंडल प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अब यहां पर अपन बात करें सबसे पहले कोलाइड से रिलेटेड, तो कोलाइडिंग इवेंट और अपन बात करें इसमें उपयोग किसके लिए है? वास्तविक इवेंट में अंतर करने के लिए। तो यहां पर अपन इसके लिए बात करें कि यदि आपका प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज है वो किसी वास्तविक मीडियम से क्या करता हो? गुजारा जाता हो, कि अपन ये किससे गुजारा है? आपका वास्तविक मीडियम। तो देखिए सबसे पहले अपने वास्तविक विलयन की अगर थोड़ी बहुत बात करें तो आपने पहले पढ़ रखा है कि वास्तविक विलयनों के जो कणों के आकार है बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब आपका प्रकाश इनमें से गुजरता है, इनमें प्रवाहित होता है, तो हमें किसी तरह का कोई पथ नजर नहीं आता। कहते प्रकाश पथ है, क्या होगा? नहीं नजर आता। तो ये अपने को ये ज्ञान नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा और पूर्णतया अदृश्य स्थिति होगी। कैसी होगी? अदृश्य स्थिति पाई जाएगी। कैसी स्थिति की? अदृश्य स्थिति है वो आपको देखने को मिलती है, अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि टिंडल प्रभाव है सामान्यतः जो कोलाइडिंग कण है के द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन है तो उसको ही क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है कि भाई यहाँ पर कोलाइडिंग कण है वो क्या कर रहे हैं? टिंडल प्रभाव है वो किस पर आधारित है? ये आपका जो कोलाइडिंग कण है ये आपके आधारित है प्रकाश प्रकीर्णन पर, कि भी आपका जो पथ नजर आता है वो किसके कारण नजर आता है? इस प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कोलाइडिंग कणों के आकार की
बात करें तो कोलाइड कणों का आकार है वो प्रकाश की तरंग देरी से अपेक्षा से थोड़ा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है? अपेक्षा से कम होता है जो आकार है, ये किससे? प्रकाश की तरंग देरी से क्या होगा? कम होता है। यानी कम होने के कारण क्या कहेंगे कि ये प्रकाश को परावर्तित नहीं कर पाते, प्रकाश को क्या नहीं करते हुए परावर्तित नहीं करते, क्योंकि यहां पर कोलाइड कण का आकार है वो प्रकाश की तरंग देरी से कम होता है, इसके कारण क्या है जो परावर्तित जो प्रकाश है उसका परावर्तन या प्रकाश को परावर्तित नहीं किया जाता। अतः प्रकाश का यहां पर क्या होता है भी अधिशोषण किया जाता है, प्रकाश का यहां पर क्या हो जाता है भी अधिशोषण हो जाता है। और जैसे ही अधिशोषण होता है ये क्या है, कोलाइड कण की बात करें ये चमकने लगते हैं। कोलाइड कणों ने अधिशोषण किया, अधिशोषण के फलस्वरूप ये क्या होंगे आपके चमकने लग जाते हैं, फलतः प्रकाश है वो इसमें क्या है इसके अंदर से गुजरता हुआ या इनमें से निकलता हुआ नजर आता है, ठीक है, जिससे आपका एक प्रकाश का पथ बन जाता है। और यही पथ है वो क्या कहलाता है, पिंडल प्रभाव कहलाता है। यहां पर पथ बनता है और ऐसा पथ है वो किसको दर्शाता है, पिंडल प्रभाव को दर्शाता है। देखिए यहां पर बात करें कि प्रकाश किरण पुंज है जब किसी कोलाइड मीडियम से गुजरेगी तो जो प्रकाश की तरंग देरी है वो सामान्यतः जो आकार है वो किससे कम होगा, प्रकाश की तरंग देरी से कोलाइड कणों का आकार कम होगा, तो प्रकाश है वो परावर्तित नहीं हो पाता, प्रकाश का अधिशोषण हो जाता है और इसके फलस्वरूप ये चमकने लगते हैं और प्रकाश का एक पथ है वो नजर आता है। मतलब इनसे प्रकाश है इनसे जब गुजरेगा यानी इनसे निकलेगा तो यहाँ पर पथ नजर आता है और एक पथ क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए इस टिंडल प्रभाव की वजह से ये जो पथ नजर आता है यहाँ पर एक कोण बनता है, ठीक है, मतलब किसी एक निश्चित कोण पर ही आपको क्या दिखाई देगी, एक पट्टिका के रूप में है वो आपका ये पथ नजर आता है तो इसे टिंडल कोण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, टिंडल कोण कहा जाता है इसको, अपन क्या कहेंगे ये क्या सामान्यतः कहलाता है, टिंडल कोण कहलाता है। अब यहां पर इसको अपन है दूसरे तरह से अगर एग्जांपल से समझे कि भी एक अंधेरे जो अंधेरे कमरा है इसमें जो वायु के साथ जो मिले हुए कण है वो क्या है, कोलाइड तंत्र है। भाई अपन क्या कह सकते हैं कि अंधेरे कमरे है उसमें उसके साथ मिले हुए जो हवा के अंदर आपके वायु के अंदर जो कण है ये कण किस रूप में होते हैं, कोलाइडी तंत्र के रूप में, जिसमें से प्रकाश का जैसे ही पुंज गुजरता है, प्रकाश के पुंज गुजरने से आपको वहां पर क्या देखने को मिलेगा कि एक प्रकाश का एक पथ नजर आता है जो सामान्यतः आपकी अपन कहें एक फिक्स रेडियस पर कह दें या फिर कह दें कि एक फिक्स स्थिति पर ही नजर आता है कि भाई उसमें एक लंबा पथ है वो अपने को दिखाई देता है आपकी इसके प्रकाश के अंदर या अंधेरे कमरे के अंदर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बात करें कि वास्तविक विलयनों को अगर अपन यहाँ पर बात करें तो भाई अपन ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भाई इनके कणों का आकार क्या है, बहुत अति सूक्ष्म है। तो बहुत अति सूक्ष्म जैसे आकार होता है इसकी वजह से क्या है कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो नहीं हो पाता। क्या नहीं होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और प्रकीर्णन नहीं होगा तो टिंडल प्रभाव नहीं होगा। भाई टिंडल प्रभाव कब होगा, जब प्रकाश के बीच में कोई जो कण है वो व्यवस्थित हो, तो यहाँ तो कणों का आकार बहुत ज्यादा छोटा है इसलिए क्या है आपको टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलता। अब इसको देखो, अब सबसे पहले एक डायग्राम से समझते हैं टिंडल प्रभाव, क्योंकि अगर आपको डायग्राम से ध्यान में आ जाएगा तब आप उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये अपना कोई प्रकाश होता है, सोर्स ऑफ लाइट, इसके बीच अपन ने क्या लगा दी है कि
ठीक है। अब ये प्रकाश आपका इस लेंस में दिखता है, ठीक है, और गिरने के बाद किसी एक विलयन से क्या करेगा, निकलेगा। ये अपना विलयन बराबर है। अगर ये केंद्र कौन सा विलयन है, वास्तविक विलयन है, तब तो क्या देखने को मिलेगा, विलयन है, इसमें से आपके जो ये प्रकाश का पथ जो आपके अभी यहां से निकलेगा लाइट से या सोर्स से, तो ये क्या है, इससे सीधा का सीधा गुजर जाता है कि यहां पर क्या होगा, ये इससे क्या होगा, इससे गिरेगा, ये गिरा और सीधा का सीधा उतर जाता है। अगर यहां पर अपन दूसरा अगर कोलाइड बात करने लगा, यहां पर क्या है, ये तो है आपका ट्रू सॉल्यूशन और यहां पर कह देंगे ये क्या है आपका कोलाइड सॉल्यूशन। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, इस तरह का क्या है आपको पथ नजर आता है, ये अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई इस पथ में आपको इस तरह का पथ है वो आपको इस लाइट के द्वारा क्या देखने को मिलेगा। ये अपना लेंस है, ये सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या कहेंगे कि भी प्रकाश का प्रकीर्णन क्या देखने को नहीं मिलता, अगर वास्तविक है तब तो यहां पर कोई किरण प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, प्रकाश सीधा का सीधा गुजर जाता है, अदृश्य पथ है, मतलब यहां पर पता नहीं चल रहा कि कहां से आपका ये जो चीज पथ है वो हो रहा है। लेकिन अगर कोलाइड है तो कोलाइड के अंदर आपको इस तरह का पथ नजर आएगा। अब इसमें जो विकर्ण होगा वो आपको समानता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ये इसकी मुख्य विशेषता आपके टिंडल प्रभाव की। अब बताया कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसमें अगर बात करें तो आपकी जो परिचित प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम है के मध्य क्या है, जो अपवर्तनांक है या माध्यम के अपवर्तनांक के अंतर पर क्या करता है के कारण ये चीज आपको दिखाई देने लगती है। परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण जो माध्यम है कि भाई यहां पर अभी कहा है कि यहां पर प्रकाश का जो प्रकीर्णन हो रहा है वो आपको किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, परिचित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम का अपवर्तनांक के अंतर के कारण। यहां पर अपवर्तनांक के जो अंतर है उस अंतर के कारण क्या है आपको प्रकाश का प्रकीर्णन है वो कोलाइड में से तो दिख रहा है जबकि यहां पर आपको नहीं दिखाई देता। अब यहां पर बात करते हैं कि भी अपन ने कोलाइड के लिए तो बात कर ली लेकिन किस तरह का कोलाइड बात करें, तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं द्रव स्नेही कोलाइड के लिए, ठीक है। अब देखिए द्रव स्नेही कोलाइड के लिए अगर अपन यहां पर बात करें तो ये चीज किस तरह से मिलेगी, यहां पर क्या बताया गया है कि जब आपका द्रव स्नेही कोलाइड के लिए यह सो लिया जाता है तो अपन ये देखते हैं कि भाई यहां पर जो अंतर है क्या देखने को मिलता है कि बहुत कम होता है क्योंकि एक जैसे ही कण होते हैं। तो यहां पर भी क्या है कि जो वास्तविक विलयन की स्थिति होती है उसी के कारण उसी तरह की स्थिति आपको इसी में दिखाई देती है, मतलब ये अपन यहां कह सकते हैं कि आपका जो द्रव स्नेही सॉल है इसमें आपका जो प्रकीर्णन है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो बहुत कम होने के कारण क्या है टिंडल प्रभाव नगण्य होता है, टिंडल प्रभाव नगण्य होता है, यहां पर ज्यादा दिखाई
नहीं देता, लेकिन अगर यहां पर आपका कौन सा मिलियन हो, दर विरोधी हो, जिसमें आपको पहले भी बताया है, इसका जो एग्जांपल है मैं जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड का ले लिया, तो उसमें जो कण है आपके आयरन के वो उसमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या देखने को मिलता है कि दर में विरोधी जो कोलाइड है इनमें अगर बात करें तो ये जो अंतर है इसका मान बहुत कम होता है, इसमें इतना बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका जो मान है वो तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है। प्रकीर्णन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ पर टिंडन प्रभाव भी अधिक देखने को मिलता है। और इसके फलस्वरूप क्या है कि आपकी एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर टिंडन प्रभाव इसमें सर्वाधिक है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करें कि भाई जो टिंडन प्रभाव है वो कोलाइडी विलयनों में और वास्तविक विलयनों में अंतर करने के काम में आता है मुख्य रूप से, लेकिन इसका एक उपयोग और बताया गया है। क्या सामान्यतः क्या बताया गया है कि आपका जो अति सूक्ष्मदर्शी है आपके जो अति सूक्ष्मदर्शी है इसकी जो खोज है, ठीक है, इसकी खोज है, उसमें भी इसी का आधारभूत सिद्धांत दिया गया है, यानी इसी सिद्धांत पर है वो काम करती है। कौन? आपके अति सूक्ष्मदर्शी जो छोटे कणों को दिखाने का काम करती है। तो यहां पर अति सूक्ष्मदर्शी है आपके, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तब जरूर पूछा जाता है कि ये किस सिद्धांत पर काम करती है, बाकी आपको यहाँ पर टिंडल प्रभाव किस तरह से होता है, किस तरह से संपन्न किया जाता है, कोलाइडी कणों में किस तरह से होता है, वास्तविक कणों में किस तरह से होता है, कोलाइडी कणों में भी अगर बात करें तो दर स्नेही और दर विरोधी में कोलाइडी के अंदर किस तरह से ये टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये आज के अपने इस वीडियो के अंदर अपने देखा है। अपन देखिए अगर एग्जाम से रिलेटेड बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टिंडल प्रभाव, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके चाहे एक नंबर की डेफिनेशन हो चाहे आपके इससे रिलेटेड आपका बड़ा क्वेश्चन हो, हर बार इससे रिलेटेड आपके इस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।